यही होना चाहिए थोड़ा और अच्छा घर पे डेली खोल लेते। निशा माल लूट के लाइए जामा जी से। केला समोसा पकौड़ी सेब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप देख रहे हैं मैं रोजे के वक्त बाहर निकली हूँ, तो मैं बता दूँ आपको हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जामा मस्जिद, क्योंकि आज लास्ट रोज़ा है और फ्राइडे भी है माशाल्लाह से। तो गाइज आज हमने डिसाइड करा है कि आज हम इफ्तार बना के नहीं लेके जाएंगे, बल्कि वहाँ जाकर बनाएंगे। तो यहाँ से हम लेते चल रहे थे अपना सामान इफ्तार का, और यहाँ पे हम माशाल्लाह से पहुँच चुके हैं फाइनली जामा मस्जिद। और आप मुझे देख सकते हो नीचे इसका जो है सूट का वही हिजाब भी बांध रखा है, उसी के ऊपर मैंने बुरखा डाल लिया, क्योंकि मैं वहाँ जाके बुरखा उतार दूँगी। हर बार मेरा ये होता है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हूँ, लेकिन मैं अपना बुरखा नहीं उतार पाती। तो आज मैंने सोच के रखा है कि मैं जाती हूँ अपना बुरखा उतार दूँगी। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जल्दी से अब हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं। और हमें लेना था आज यहाँ पर गाड़ी पार्क करते ही कंठा, तो हमें अंदर मार्केट भी जाना होगा, क्योंकि अनस ने माशाल्लाह से 2 कुरान मुकम्मल कर लिए हैं और माशाल्लाह से रोज़े भी उसने सारे रखे हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने बाजी ने कोई फंक्शन नहीं करा था, तो हमने डिसाइड कर रखा था कि हम उसके गले में घंटा डालेंगे। और ये देखें जामा मस्जिद का व्यू माशाल्लाह से। तो ये है माशाल्लाह से 1 घंटे पहले की रौनक जामा मस्जिद की। आप देख सकते हो सब कुछ कितना फुल फुल लग रहा है। और हम यहाँ पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि कंठे की दुकान जो है वो यहाँ नहीं है, आगे जाकर है। तो हम फाइनली पहुँचने वाले हैं और ऑलमोस्ट पहुँच भी गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे। तो ये देखें हमने फाइनली कंठा ले लिया, और ये हमारे भाई की दुकान, अकरम भाई जो हैं उनसे निशान मिल रहे हैं, और हम कंठा लेते ही आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और हाँ, आज तो हमें सब कुछ बाहर से लेना है, तो हम पकोड़े शकोड़े समोसे जो भी हमें लेना है रेडीमेड, वो हम आज यहाँ से लेते हुए चलेंगे, क्योंकि आज हम कुछ भी नहीं लेके आए। मतलब हमने सोच रखा है ना, मैंने आपको बताया था कि वहीं पे जाके हम सब कुछ बनाएंगे, तो ये पकोड़े शकोड़े भी हम बाहर से ही ले लेंगे। तो ये देखें हमें पकोड़ों की दुकान मिल चुकी है, जहाँ पर रोल्स भी मिल रहे थे, ये गोलियाँ और ये पकोड़ियाँ भी। तो हमने ये सब कुछ पैक करवा लिया थोड़ा थोड़ा, और यहाँ से लेके चलते हैं आगे। और बहुत सी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन टाइम कम था, तो हम आएँगे यहाँ पर इफ्तार करने के बाद। तो लीजिए हम जामा मस्जिद भी पहुँच चुके हैं फाइनली, और माशाल्लाह से आज मुझे लग रहा है कि आज भीड़ नहीं होगी ज़्यादा। और हाँ, हुआ भी ऐसी, हमने यहाँ से एंट्री जैसी ली मेन डोर से, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल ये सब कुछ। और लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा आप ही और वगैरह ये सब है कहाँ, क्योंकि हमसे पहले वो आ गए थे, फ्रूट वूट कट करने लगे होंगे। तो अब यहाँ पे ईशान को मैं बोलूँगी कि वो फ़ोन करके यहाँ पे पूछें कि आप ही कहाँ पर हैं। तो मुझे अक्सर नज़र आ गई है, मैं अक्सर के पास ही जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। और देखो मैं अपना माल पहचान गई हूँ, वाइट दुपट्टे और येलो कुर्ते में मुझे अक्सर खड़ी हुई दिख गई हैं। तो आप लोग भी देखें यहाँ पे अच्छा सा स्पेस आज हमें मिल गया है माशाल्लाह। और आप ही जो हैं वो इफ्तार कट कर रही हैं, आयज़ा को भी आप देख सकते हैं। और ये जो फ़ोटोग्राफ़र मिली, तो इन्होंने मेरे पास पहुंची ही थी, मेरे पास आई कि आप अच्छी लग रही है, मैं आपका फ़ोटो ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने मेरे कुछ फ़ोटोज़ लिए। तो यहाँ पे मेरे फ़ोटोशूट चल रहे थे, तो सभी फैमिली वाले मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। वही जब कोई आपके फ़ोटोज़ लेता है ना, तो अलग ही फीलिंग हो रही थी। और ये मैम जो है मुझे अपनी आईडी बता रही थी कि आप मुझे फॉलो कर लेगा और मैं आपको आपके पिक सेंड कर दूँगी। तो यहाँ पर दूसरी जगह पर शाना आप ही जो है वो तरबूज काट रही हैं, क्योंकि वो सारी इफ्तार काट चुकी थी और मैं उन्हें देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और आज रौनक भी बहुत है, लेकिन भीड़ नहीं है। और यहाँ पर अरमान जो है यूट्यूबर, वो भी आए हुए थे, जिनसे मेरी मुलाकात हुई बहुत अच्छे से। हेलो, वालेकुम सलाम, खैरियत से? हमारा भी चैनल है। हाँ, मैं हूँ बाड़ेन्द्र आसाद। बस बढ़िया। तो मैंने तो यहाँ पे स्टॉप करके रखा है, मैंने यहाँ पे कई सारे ब्लॉग बनाए हैं, 3-4 ब्लॉग मैंने डाल रखे हैं, तो सोचा लास्ट का ब्लॉग। हाँ, ये लास्ट का यही होना चाहिए थोड़ा और अच्छा सा घर पता डेली। जब हम यहाँ पे आए थे ना लास्ट टाइम, तो बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे भीड़ और गर्मी भी थी। आज तो बहुत ही मतलब अच्छा है, सब कुछ खुल रहे थे, मौसम अच्छा है। ठीक है आपकी। तो गाइस
हमें यहाँ पे आना था जामा मस्जिद, तो मैंने आप ही को बुला लिया था कल शाम को। मतलब हमने रात में बैठ के सबने मेहंदी भी लगाई और बहुत इंजॉय भी करा, बहुत ज्यादा मजे आए। Show me your hands. Oh my God, कलर आ गया अब तो बहुत बढ़िया वाला। आए जगे अक्षरा की भी मेहंदी मैंने लगाई थी रात को, दस मिनट से ऊपर। बस यही वाली अच्छी है, सब अच्छी है। और शाना आपने यहाँ पे अभी इफ्तार कट करके बनाई है ताजी ताजी और सर्व भी कर दिए। तो यहाँ पे अरमान जो है वो भी आए हुए, तो देखे कहाँ चढ़े हुए लोग बाग। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ हौज में वजू करने, क्योंकि एकदम मगरिब हो जाती है तो नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारी वजू होना लाजमी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सब माशाल्लाह से वजू ही कर रहे थे, मुझे लगता है ये हौज कभी खाली नहीं रहता। तो अब हमारा इफ्तार का वक्त भी हो चुका है। आलू उड़ के लाइए जा मस्जिद से, केला समोसा पकौड़ी सेब। तो यहाँ पे एक जगह पर है ना इफ्तार बट रही थी, वैसे यहाँ पे एक जगह पे नहीं, हम यहाँ पे हमेशा है ना इफ्तार कोई ना कोई बांटता ही है, कुछ ना कुछ बटता ही है। तो अनस को भी मिली थी इफ्तार, तो मैं उसके साथ जाके ले आई। तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है, जब हम बांट सकते हैं तो हम बटा हुआ ले भी सकते हैं, और ये तो बांट के खाना और खिलाना सुन्नत ही है। तो यहाँ पे हमारा इफ्तार का वक्त हो रहा था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो हमारे नज़दीक होते हैं हम भी सबको बांट के ही खाते, जो कि सुन्नत रसूल है। तो माशाल्लाह से बड़ी तेज़ी से हमारा वक्त होता जा रहा है इफ्तार का, तो रोज़ा कभी भी खुल सकता है। तो बस अब हम दुआ कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखा आपने माशाल्लाह से हमारा रोज़ा हो चुका है, और सभी यहाँ पे माहौल आपको दिखा दूँ मैं, सब जगह रौनक हो रही है और सभी इफ्तार कर रहे हैं माशाल्लाह से, सभी रोज़ा खोल रहे हैं। तो जब हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया उसके दौरान हमें मिले हमारे कुछ फैंस, तो ये जो थी ये लक्ष्मी नगर से थी, तो ये हमें एक दफ़ा नोटिस करके चली गई थी, फिर अगेन ये हमारे पास आई हैं। तो इनसे मुलाकात हुई, इन्हें भी बहुत खुशी हुई और हमें भी। मैंने आपसे पहले भी बोला है जब आप लोग हमसे मिलते हैं हमसे बातें करते हैं तो हमें भी उतनी ही खुशी मिलती है आप लोगों से मिलकर जितनी आप लोगों को महसूस होती है। नाजी बाजी क्या हुआ, नाजी बाजी क्या हुआ, फोन खो गया, आई है डस्टबिन के अंदर। तो आपने देखा इस डस्टबिन के अंदर है ना आप ही का फोन, आप ही का नहीं, जो सामने भाई खड़े हैं ना उनका फोन गिर गया, उनके सिस्टर का। तो ये दोनों सारे ना ढूंढने में लग गए। जूस पीना है, ये पी, ये भी ले लो कैसे। तो ये जो थी बहन है हमारी, ये हमसे मिलके चली गई थी लेकिन फ़ोटो लेना भूल गई थी, तो ये फ़ोटो खिंचवाने आई हैं दोबारा। और अब मेरी आंखों में दर्द दोबारा शुरू हो गया है, मेरी लेफ़्ट आईज फिर से पेन करने लगी है और पता नहीं क्या ही हो गया। तो मुझे नहीं मालूम मेरी ईद कैसी गुजरेगी इस आग को लेके। मौसम हो रहा है बहुत बारिश वाला और सब लोग वेट कर रहे हैं चांद का। अच्छा शुरू है।
तो माशाल्लाह से आज डिक्लेयर हो गया कि कल की हमारी ईद है और चांद नज़र आ गया माशाल्लाह से। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत चांद मुबारक हो और ईद मुबारक हो। अल्लाह मियाँ आपकी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे और सारे रोज़े हमारे भी और आपके जितनी भी हमने इबादतें करी हैं वो कबूल अता फरमाएँ। तो गाइस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मिशा के सामने हाँ जी बहुत खुशी हुई। हमने चांद तो नहीं देखा लेकिन पहली बार हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रही है, अभी भी रौनक हो रही है। और आप सभी को चांद बहुत मुबारक ईद का और ईद भी बहुत मुबारक इन एडवांस। अभी तो कल का दिन भी बाकी है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि हम ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। अब मिशा जा रही है शॉपिंग पे, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग जो डालेंगे ना शॉपिंग का ही डालेंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाफिज़।